जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 9:10 के करीब हो गई है और 9:10 AM संडे आज, और कितना तारीख हो गई है रे, आज 21 तारीख होगी आज शायद, 21 तारीख। अरे आज डेट कितना है, डेट 22 है, आज 22 तारीख है स्ट्रीम। तो मुझे तो एकदम थोड़ा सा याद ही नहीं है, तो मैं, हाँ 22 तारीख है, एग्जैक्टली 22 तारीख है दोस्तों, आज राखी का दिन है। तो तो मैं तो आज दिन भर अभी हॉस्पिटल में ही था, क्योंकि माय फादर इन लॉ गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल टुडे, और टुमारो उनका नी कैप रिप्लेसमेंट की सर्जरी होगी। तो आई विल बी बिजी देयर टुमारो इन द हॉस्पिटल। सो कल मैं बिल्कुल भी कोई व्यू नहीं दे पाऊँगा, कि आई थिंक ही विल बी ऑपरेटेड अराउंड 8:30 AM, तो 8:30 बजे उनका ऑपरेशन होगा। तो मैं 7:30 बजे वापस हॉस्पिटल सुबह चले जाऊँगा, एंड टुमारो मुझे एबसेंट रहना पड़ेगा। तो आई विल बी एबसेंट टुमारो। फिर भी मैं आज थोड़ा सा आपको चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, देखिए SGX निफ्टी तो आपको कुछ 550 की ओपनिंग दिखा रहा है, अगर आप अभी देखो SGX को, कल सुबह क्या दिखाएगा आई डोंट नो, मगर अभी एट प्रेजेंट SGX निफ्टी 557 दिखा रहा है, जो कि 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है फ्राइडे की क्लोज से। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो मार्केट फ्राइडे को था उसको देखते हुए मैं मान सकता हूँ कि मार्केट अभी भी डाउन साइड जाना चाहिए, ना कि अपसाइड। हाँ, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा सेलिंग आ चुकी है, तो इन स्पाइट ऑफ दिस अभी भी थोड़ा डाउन साइड बाकी है बैंक निफ्टी, बिकॉज ये 50 EMA के नीचे क्लोज हुआ है फ्राइडे को, 50 EMA के नीचे क्लोज हुआ है, 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डाउनसाइड और बाकी है, हो सकता है 100 EMA को टच करे, जो कि अराउंड 34,500 के करीब है। 100 EMA ऑफ बैंक निफ्टी इज़ अराउंड 34,500। उस जोन में अगर आता तो डेफिनेटली मैं बैंक निफ्टी में प्रीफर करूँगा बाई निफ्टी की बजाय। अगर मुझे 34,500-600 कल मिलता है, तो अब मुझे बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट नहीं लग रही, इसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट बाकी है, उसके बाद मुझे बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेज़ी दिख रही है, जो कि उसको 36,000 के भी ऊपर ले जा सकती है, 36,000 या 36,500 भी ले जा सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के चार्ट में। लेकिन जो क्योंकि उसने फ्राइडे को 50 EMA के नीचे क्लोज किया, तो एक 400-500 पॉइंट की गिरावट आए तो उधर डेफिनेटली मैं बाई करूँगा बैंक निफ्टी को। और फ्राइडे को निफ्टी भी जो थर्सडे का गैप था उसको फिलअप नहीं कर पाया, थर्सडे को निफ्टी का थर्सडे नहीं वेनेसडे को जो निफ्टी का लो था, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी थी आपको पता है, वेनेसडे को जो निफ्टी का लो था 535 का था, जबकि उसने फ्राइडे को हाई बनाया, कुछ 509 का बनाया शायद, 509 के करीब हाई बनाया, तो वो गैप रह गया निफ्टी में, और वो गैप रह के निफ्टी ने क्लोज़ किया 450 के करीब। इसका मतलब निफ्टी वीक है, फ्राइडे को उस गैप को भी भरने नहीं आया, तो निफ्टी में भी वीकनेस क्लियर कट दिखाई दे रही थी। ऑल दो आपके SGX अभी 550 के ऊपर दिखा रहा है, 100 पॉइंट से ज़्यादा प्लस दिखा रहा है, एक्चुअली SGX को देखो तो वहाँ 150 पॉइंट प्लस लिखा हुआ आ रहा है, डेट आई डोंट नो क्यों आ रहा है वैसा, लेकिन मुझे फिर भी कल डाउन साइड का डे लगता है पर्सनली। और मैं अब बैंक निफ्टी में ज़्यादा बियरिश नहीं हूँ, 400-500 पॉइंट की गिरावट आएगी तो मैं बैंक निफ्टी में बाई करके खेलूँगा, बाई करके, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेज़ी का सिग्नल दिख रहा है चार्ट में। उसके बाद इस गिरावट के बाद अगर आई तो भी 400-500 की आएगी, 100 EMA के आसपास आ सकता है, अगर नहीं भी आती तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर शॉर्ट करना बिल्कुल भी नहीं बनता है, ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात को आप लोग। और उस समय जब ब्रेकआउट आया था सब आपको 37,000 के टारगेट दे रहे थे, तब मैं अकेला आपको चीख चीख के बोल रहा था कि इसके बाप को भी 35,300 पहले आना पड़ेगा 37,000 के पहले, ये मैंने आपको हर बार बोला था 35,300 इसको, हालांकि 35,300 छोड़िए, वो तो 35,000 के भी नीचे आ गया था
फ्राइडे को। तो अब 34,500 से लेकर 34,600 का जोन मेरे लिए बेस्ट बाई जोन है, और मैं 34,000 का स्टॉप लॉस डाल के 37,000 के टारगेट के साथ खेलूँगा। तो आप बोलोगे सर आप पुट, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ पुट मैंने हमेशा अक्टूबर का बोला है, सेप्टेम्बर का लेने नहीं बोला है। तो मार्केट में गिरावट भी है लेकिन एक तेज़ी की चांसेस बहुत ज़्यादा है, मगर मैं मंडे को एज़ पर फ्राइडे ट्रेड्स में गिरावट मानता हूँ, और कल मैं पूरे दिन बिल्कुल भी एब्सेंट रहूँगा, एक सेकेंड के लिए भी मार्केट शायद ही देखूँगा, क्योंकि मैं 1 बजे तक तो बिल्कुल देख ही नहीं पाऊँगा, है ना। तो टुमारो आई थॉट कि मैं कल एब्सेंट रहूँगा, तो उसके लिए आपको पहले से इंटीमेशन दे दिया। और बाकी वेबिनार के भी अच्छे काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं कर पाए हैं वो भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 तारीख से स्टार्ट होगी, 3 महीने की है, आप सबको पता है 3 मंथ्स की वेबिनार रहेगी, 24 क्लासेस एटलीस्ट मिलेगी, जो कि हर एक क्लास एटलीस्ट 2 आवर्स की होगी, हो सकता है वो 3 घंटे की हो, शनिवार रविवार को ही होगी ये सारी क्लासेस, या किसी छुट्टी के दिन ही होगी, और रात को 8 बजे से क्लास होगी, ताकि किसी को भी ये नहीं लगे कि मैं ऑफिस गया था मैं नहीं आ पाया, ऐसा कुछ नहीं। और उन क्लासेस में भी अगर आप कोई क्लास मिस कर जाओ किसी कारण से, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ज़रूर प्रोवाइड होगी जिस क्लास को आप मिस कर रहे हो, लेकिन आपको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा तभी आपको उसकी रिकॉर्डिंग दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। और रही बात वेबिनार की डिस्काउंट की, डिस्काउंट अब मिलने वाला नहीं है, 40,000 अब फीस लगेगी किसी की भी, किसी को भी अब 30,000 में अलाउड नहीं किया जाएगा। मैंने बहुत मौके दिए थे, किसी ने लिए होंगे तो अच्छी बात है, जिन्होंने ले लिए उनको मिल गया, अब आपको 40,000 ही लगेगा और 30,000। और ये 3 महीने की क्लासेस है, और इसमें आपको 6 महीने तक हम टेलीग्राम ग्रुप में रखेंगे, सपोर्ट ग्रुप में, जिसमें आप जो सीख रहे हो उसके बारे में टिप्स की मत सोचिएगा कि मुझे निफ्टी कहाँ जाएगा, बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, ये सब नहीं बताया जाएगा। आपको जो सिखाया जा रहा टॉपिक उससे रिलेटेड आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, और उनके जवाब भी मिलेंगे। अगर किसी दिन नहीं भी मिला जवाब तो अगले दिन तो पक्का मिल जाएगा उसका जवाब। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप 6 मंथ्स ऐड हो रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, उसकी अकेले की फ़ीस ही काफ़ी होनी चाहिए, लेकिन चलिए जो भी है। और कल के लिए सबको ऑल द बेस्ट। मैं पर्सनली टेक्निकली चार्ट्स को देखते हुए बियरिश हूँ, SGX को देख के मैं अपना मन नहीं बदलता हूँ, क्योंकि मुझे टेक्निकल्स दिखा रहे हैं कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग्स आई है वो कहीं ना कहीं मंदी की तरफ ही, एक बार तो मंदी मंडे को आनी चाहिए ऐसा इशारा करिए। दैट्स इट, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, और सभी लोग गुड विशेस दीजिए कि मेरे फादर इन लॉ का कल जो ऑपरेशन है दैट शुड बी सक्सेसफुल। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।